हाँ वसीम साहब आपके साथ पहले आप बताए क्या हुआ हमारे साथ। शुक्रिया। अभी काफी ज्यादा हमने देखे कि आप पे कश्मीर में पानी की कमी देखने को मिली है, चाहे आप सुनहरे की बात करें, दादरपुर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, कई लोगों के एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पानी की किल्लत है। देखिए पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारी सरकार थी, आपको भी पता होगा, आप भी हमारे इस रियासत के नौजवान हैं, तो हमारे में ये प्रॉब्लम सारी सालों हुई थी, चाहे पानी की चाहे बिजली की। और जब से बीजेपी की सरकार आ गई, ये कहते हमने इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ दे दिए। आप मुझे बताइए, कल भी एक वीडियो आया बटमालू का, वहाँ पर भी पानी की शॉर्टेज, और ये सब जगह सिटी में, खासकर शहरी श्रीनगर में सब जगह ये अभी हालात है। तो इन्हीं पे इनको तवज्जो देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को तवज्जो देनी चाहिए। देखिए पानी और बिजली सबसे ज़रूरत चीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे शहरी श्रीनगर में। तो इन पे इनको फोकस करना चाहिए कि बिजली पानी ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर यहाँ हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो उम्मीद है कि इनके हालात मद्देनज़र रख के जहाँ जहाँ वाटर क्राइसिस है, तो उम्मीद है कि सरकार से यही डिमांड करेंगे वहाँ पर जो आप टीम भेजिए वहाँ पे, शॉर्टेज ही क्यों है वहाँ पे, तो ताकि उनके मसले हल हो जाए। पटन की बात करें, पटन की सिचुएशन आज बिगड़ चुकी है, लेकिन इससे पहली बार जो सरकार थी, चाहे आपकी सरकार थी या चाहे बीजेपी सरकार थी, तो तब से ये वहाँ पे फसल की क्यों नहीं खराब हुई? नहीं, जहाँ जहाँ देखिए आप गलत बोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने कोशिश की कि घर घर पानी पहुँचे, तो अब तो आबादी तो बढ़ी गई, पॉपुलेशन तो बढ़ी गई, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों पे फोकस करना। और कल वहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एसएसपी साहब का बयान आ गया वहाँ पे, मैंने खुद देखा कि नहीं, जायज़ मांग थी इनकी और ये रोड पे आए थे। देखिए जब सरकार कोई चीज़ मतलब करेगी नहीं, जो ज़रूरत चीज़ हमें है, तो जब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है तो सड़क पर ज़रूरी आना है ना। कल वहाँ पे काफी जो हमारे ड्राइवर बरादरी के हैं या लोकल्स हैं वहाँ पे, उनकी गाड़ियों पे अटैक किया गया, उनकी गाड़ियों पे पत्थर बाजी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एसएसपी लेगा या सरकार? नहीं, ये लोगों को एक इसी में हम जोड़ देंगे, कल बीजेपी के जो मीडिया अध्यक्ष है उन पे भी हमला किया गया, उनके केस उन पे हमला किया गया। यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं कि पत्थरबाजी बंद हो गई, ये सब हालात ठीक हो गए, लेकिन वहाँ पे तो मंत्रियों पे, पुलिस पे और लोगों पर सीरियस अटैक किया गया। देखिए ये एक गुस्सा है पब्लिक को कि अगर उनने हुकाम को बताया था कि हमारे को पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो शायद टाइम पे उनको किसी ने सुना नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूर गए कल प्रोटेस्ट करने में। तो पत्थरबाजी भी ठीक नहीं है, हम नहीं बताएंगे कि पत्थरबाजी ठीक है, तो ये उनको एक गुस्सा है। तो एसएसपी साहब ने खुद बता दिया उसमें कि एक जायज़ डिमांड थी इनकी, और हम चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश करेंगे कि पटन एरिया का जो भी इशू है वो हल हो जाए फौरी तौर। स्मार्ट मीटर पानी तक लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिना पानी के। हाँ, नल की बात किए जा रहे हैं, लेकिन पानी कहाँ से आएगी ये पता नहीं। हाल ही में एक सियासतदान ने कहा कि हम पूरे नदियों का पानी पूरे शहर से सुनने को मिलेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें घर पानी चाहिए, चाहे नदियों का हो चाहे कहीं का भी हो, हमें बस पानी से मतलब है। तो आगे कहते हैं ये खाली झूले, हमारे को यहाँ पे इनने बिजली मीटर लगा दिया, ठीक है, स्मार्ट मीटर लगा दिए, तो हमारे को यहाँ पे स्मार्ट मीटर के पैसे नहीं निकलते हैं, ये आपको पता है। और आप पानी का मीटर लगाओगे, जब हमारे को स्मार्ट मीटर के पैसे नहीं निकलते तो हम कैसे पे करेंगे यहाँ पे? आप देखिए ना, आपने यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा दी। अगर रोजगार यहाँ पे होता तो कोई बात नहीं है, 3,000 के हम 4,000 रुपये बढ़ते। तो यही है ना, ये तो आप उनको बताए ना, जिसने बोला है कि हम पानी देंगे, तो उनसे पूछिए ना ये सवाल। अभी तो सरकार में वो है ना, जिस लीडर ने कहा है, हमारी सरकार होती तो आपको ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी सर। इसी बात आपको बता दें, ये तो उस सरकार ने भी बोली थी, हमारी सरकार होती ये भी होता, आप बोलते नहीं, आप शायद गलत, नहीं, आप शायद गलत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमारी सरकार थी, हमने कोशिश की सब जगह पानी और पावर मतलब मिले जम्मू कश्मीर के लोगों को।